फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओमिक्रॉन के असर से देश के कई राज्यों में प्रतिबंधों की शुरुआत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कारोबारी कैपिटल मुंबई तक नए साल के जश्न पर रोक लग गई है। नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है और सबसे पहले रिटेल कारोबार पर संकट मंडराने लगा है। दरअसल देश के ज्यादातर हिस्सों में 24 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच लोग घूमने और खरीदारी करने निकलते हैं। इस दौरान जमकर शॉपिंग होती है तो फिर खाने पीने पर भी खूब पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन इस बार ओमिक्रॉन के असर से हाल बेहाल हो गए हैं। बाजारों के जल्दी बंद होने से मुंबई में आमतौर पर चलने वाले दिसंबर के आखिरी हफ्ते के कारोबार में 30% की गिरावट आई है। दिल्ली के मॉल्स में अक्टूबर नवंबर में प्री कोविड स्तर के पार निकलने के बाद दिसंबर में प्रतिबंध शुरू होने के बाद से बिक्री के 50% लुढ़कने की आशंका है। कर्नाटक में भी महज 2 घंटे के कारोबारी नुकसान से बिक्री में 10-15% की गिरावट आने का खतरा है। रिटेलर्स का कहना है कि फेस्टिव सीजन के बाद क्रिसमस से न्यू ईयर का वीक बिक्री के लिहाज से पीक सीजन होता है। ऐसे में इसी हफ्ते में ओमिक्रॉन के अटैक की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। कोरोना के हर वेरिएंट के वार की शुरुआत रिटेल कारोबार से होती है। ऐसे में रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी RAI को आशंका है कि रिटेल कारोबार में दूसरी लहर के बाद आई तेजी की रफ्तार ओमिक्रॉन के असर से धीमी हो सकती है। दूसरी लहर के बाद रिकवरी के रथ पर सवार देश भर में रिटेल बिक्री अक्टूबर में प्री कोविड साल यानी अक्टूबर 2019 से 14%, जबकि इस साल नवंबर 2019 से 9% ज्यादा रिटेल बिक्री रही थी। लेकिन अब ओमिक्रॉन के असर से दिसंबर में हालात खराब होने की आशंका तेज हो गई है। दिल्ली के प्रतिबंधों को तो RAI ने मिनी लॉकडाउन करार दिया है। ऐसे में बीते 3-4 महीनों में लोगों ने जो घर से बाहर निकलकर खरीदारी करनी शुरू की थी, वो अब बदलते माहौल में सेंटिमेंट्स को कमजोर करेंगी, जिससे कारोबार पर सीधा असर होगा। आज तक ब्यूरो।